अमेरिका विच जो बाइडन की डेमोक्रेटिक सरकार ने चीनी वायरस के कथित लीक से बड़े नाटकी अंदाज विच अपनी राय बदल ली। अमेरिकी अधिकारियों ने आलमी महामारी कोविड-19 के वायरस के वुहान की लैब तो फैलण के सिद्धांत नूं सही मानते हुए इसकी तुलना जंगल विच कुदरती तरीके नाल अग लगण नाल कीती। पिछले महीनों लैब लीक के सिद्धांत नूं इन्नी हवा मिली कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों नूं 90 दिनों के अंदर वायरस के स्रोत का पता लगाउण की जांच रिपोर्ट तलब की सी। CNN मुताबक अमेरिकी खुफिया विभाग भी इस गल ते वंडिया होया है कि वुहान की लैब तो वायरस लीक होया जां फिर कुदरती तौर पर जानवरों तो इंसानों विच पहुंच गया। CNN ने सूत्रों के हवाले नाल कहा कि किसी एक जां दूजी दिशा च जाण लई नवे सबूत बहुत घट हन, पर बाइडन प्रशासन के वड्डे अफसर लैब च वायरस के लीक होने के सिद्धांत नूं गंभीरता नाल लै रहे ने ते इस विचार नूं बहुत खुल के देख रहे ने। इसके बावजूद कोरोना वायरस के अध्ययन करन वाले ते इन्फेक्शन के स्रोत से रिसर्च करन वाले कई विज्ञानियों का मानना है कि इसका स्रोत कुदरती है।